टॉपिक है ना, मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा सुबह के बैच को, शाम के बैच को नहीं, ठीक है? थोड़ा ही टिपिकल है, जरूरी भी नहीं। इसके बाद असल में टॉपिक इज हिडन गुडविल। क्या बेटा? मतलब क्वेश्चन में गुडविल नहीं दी होगी और आपको कहेगा क्वेश्चन कि आप गुडविल की एंट्रीज कीजिए। समझ आ रहा है? मतलब गुडविल नहीं दी होगी और आपको क्वेश्चन क्या कहेगा? गुडविल की एंट्रीज कीजिए। इज इट क्लियर? नाउ एंड बी आर पार्टनर्स, कैपिटल है 13,000 और है 9,000। कितना है? 13,000 और क्या है? पार्टनर कौन कौन है? ए और बी। ए का कैपिटल क्या है और बी का? दे एडमिट सी एज अ पार्टनर विद 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। इसका मतलब है ये 1/5 शेयर है ना, अगर टोटल है ना 5 शेयर, क्या है बात समझना, 5 शेयर में से हमने इसे दिया एक शेयर, क्या दिया? इज इट क्लियर? समझ आया? 5 शेयर्स में से हमने कितना दिया इसे? एक शेयर। और उसने कैपिटल कितना लाया? मतलब इसका शेयर है ना 8,000, टोटल कितने शेयर है? समझ आ रहा है? 8, 8, 8, 8, 8 5s are 40,000। तो इसके शेयर के हिसाब से इस बिजनेस का कैपिटल कितना होना चाहिए? समझ आया लॉजिक? समझ आया लॉजिक? ओके, गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड। आप क्या करें? अब हम करें तो करें क्या? अपनी बात मेरी समझ आई? मैंने क्या कहा, ये जो ये पॉइंट मैंने आज किया ना, ए और बी पार्टनर है 13,000 और 9,000। आया कौन? सी। उसका शेयर क्या है? उसका शेयर क्या है? 1/5। मतलब 5 शेयर्स में से उसका है एक, वो कितना है? तो टोटल 5 शेयर कितने होंगे? 40,000। इज इट क्लियर? अब देखो इस तरह का क्वेश्चन जो है ना हम कैसे कर लेते हैं, मैं आपको बताता हूं, ठीक है? इस तरह का क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। टोटल कैपिटल, टोटल एज पर सी शेयर, सी का शेयर क्या था? 1/5। लाया कितना इसने? 8,000। 8,000 इंटू करो रेसिप्रोकल, दैट इज 40,000। आया? समझ आया? ओके, टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी, ए बी और सी का कैपिटल कितना है? 13,000 प्लस 9,000 प्लस सी का कैपिटल 8,000। इज इट क्लियर? सो ये आपको आता है 30,000। कितना आता है? सी के शेयर के हिसाब से कैपिटल कितना होना चाहिए? है कितना? दिस इज व्हाट यू कॉल्ड गुडविल ऑफ द फर्म। सर गुडविल ऑफ द फर्म, दिस इज स्टेप ए, दिस इज स्टेप बी, दैट इज ए माइनस बी। 40,000 माइनस 30,000 कितना आया? टफ लगा, कितना आया? समझ आया व्हाट इज हिडन गुडविल? हिडन गुडविल मैंने कहा था कि हम निकालते हैं कैपिटल किसके हिसाब से? नए पार्टनर के शेयर के हिसाब से। टोटल कैपिटल एज पर सी शेयर वो है 8,000, इसका शेयर है ना, तो इंटू क्या किया? रेसिप्रोकल, जो क्या है? 40। हाँ, टोटल कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी, दैट इज गुडविल ऑफ द फर्म ए माइनस बी, कितना आया ये? अब मुझे बताओ सी शेयर ऑफ गुडविल क्या है? सी शेयर ऑफ गुडविल 1/5, सो दैट्स इक्वल
2000। अब इसकी क्या हमें करनी है, जर्नल एंट्री क्या करनी है इसकी, सी इज करंट अकाउंट डेबिट, सी इज करंट अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल। पहले ये कैपिटल आता है ना, ओके, हमें सिर्फ गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड गुडविल। हाँ, अगर कैपिटल भी हम करेंगे तो सिर्फ करेंगे हम कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर। ठीक है, अब मुझे बता दीजिए, अभी जो गुडविल निकाला ना हमने, उसकी एंट्री क्या होगी, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, बस ठीक है, बीइंग गुडविल क्रेडिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एज पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया है, मत दिया है। व्हेन सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज नॉट गिवन, ओल्ड बिकम सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या ओल्ड दिया है, इक्वली होगा ना, टफ लगा। सो यहां पे 2000 रुपए, यहां पे 1000 रुपए और यहां पे 1000 रुपए। ठीक है, और जो ये कैपिटल आता है वो है जर्नल। इजी है, जर्नल हमारा रूल है ही नहीं। सो व्हाट इज आवर रूल, आवर रूल इज, हमारा जो रूल था बेटा वो क्या था, वो था हिडन गुडविल निकालना, बस बाकी कुछ नहीं। इज इट क्लियर? ठीक है, अपनी टाइमिंग को देखिए बेटा, कितने बजे आना है, 6:15 का मतलब स्टार्ट है 6:15। नाउ देखिए बेटा, अगर हम यहां पे देखेंगे ए और बी क्या है, इनका कैपिटल क्या है, 40,000 50,000। ओके, सी इज एडमिटेड फॉर कितना लाया, 50,000। कितना लाया, फोर्थ शेयर है 50,000। टोटल कितने शेयर है, चार, 1 2 3 4, चार में से एक हमने दिया इसे कितना, 50,000। अगर ये होगा 50, ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, तो सी के हिसाब से, सी के हिसाब से ये निकलेगा 2 लाख, है ना। तो हम ऐसे लिखेंगे, टोटल कैपिटल एज पर सी शेयर, किसके शेयर के हिसाब से, सी कितना लाया, इंटू 1/4 की 4/1 रेसिप्रोकल कीजिए, 4/1 दैट इज इक्वल 2 लाख। ठीक, यहां तक समझ आया, ओके। अब टोटल कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी, किसका, ए बी और सी का, बताए ए का क्या है, 40,000, बी का क्या है और सी का क्या है, 50,000। सो दैट्स इक्वल 1,40,000। यहां तक समझ आया, ओके। अब ये कितना है, 2 लाख, ये कितना है, सो दिस इज व्हाट यू कॉल स्टेप ए एंड दिस इज कॉल्ड स्टेप बी। और जो गुडविल ऑफ द फर्म होगी ना, गुडविल ऑफ द फर्म दैट इज ए माइनस बी। लोग कहते हैं हिडन गुडविल टफ है, क्या ये टफ है, 2 लाख माइनस 1,40,000, सो दैट्स इक्वल 60,000 इज योर गुडविल। ओके, यू आर हैविंग 1 मिनट टू कॉपी इट, ओके।
हाँ जी हाँ बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन है आपकी बुक का, ये नहीं है रिगार्डिंग विद दिस रूल, थोड़ा बहुत इन्होंने डिफरेंट बनाया है ये क्वेश्चन, बस मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा और आपको ये खुद ब खुद आएगा। मनीष एंड सतीश आर पार्टनर्स इन, कौन कौन है पार्टनर? ओके, कोमल इज एडमिटेड फॉर 1/10 शेयर, कोमल का शेयर क्या है? ठीक, कोमल गेव स्टॉक 30,000 वैल्यूड एट 25,000 फॉर, कोमल ने दिया 30,000 का स्टॉक, लेकिन हमने उसे कहा कि नहीं, इसका वैल्यू जो होगा वो होगा 25,000, हमने कितने में ले लिया? 25,000 में। तो इन सिंपल वर्ड्स कि कोमल दे रही है स्टॉक, कैश नहीं दे रही है, क्या दे रही है? किसके लिए? कैपिटल, प्रीमियम के लिए नहीं, किसके लिए? हाँ, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश अकाउंट डेबिट कैपिटल, स्टार्टेड बिजनेस विद स्टॉक, स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, ये इसका जर्नल है, पहली एंट्री। डन, टफ लगा? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन बाय द, सो 35,000 इज डन। ओके, बट यहां पे आज आप पॉइंट एक समझिए, इसके बाद हम क्या करते थे? प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, अगर प्रीमियम नहीं लाता था, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। अब ये दो केस नहीं होंगे, बात समझना, जिसके जरिए हम देते थे वो होता था डेबिट, प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, वही होता था, या सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए टू, वही होता था। अब क्या कह रहा है कि बट फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल 10,000, हिज लोन अकाउंट कैरियंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम वॉज रेज्ड इन द बुक्स। हमने इसे कहा कि आपने नहीं लाया, हम मानेंगे ये 10,000 रुपए लोन है, 10,000 रुपए मतलब फर्म का लोन किसके लिए है? सिंपल वर्ड्स में कहना चाहता हूं कि हम उसे कहते हैं यू ओ अस 10,000, क्या कहते हैं? सुकूता दवा रखा है 10,000 रुपये कूता, फिर से समझिए, हम उसे कहते हैं कि नहीं, आपने गुडविल नहीं लाया, गुडविल कितना लाना था? 10,000 रुपए, हम ये मानेंगे लोन, और आपको ये लोन चुकाना है सूद समेत, जो ये चुकाता है आफ्टर 6 months, क्या चुकाता है? He as per agreement paid his goodwill share after with, बात समझना, easy बहुत है। एंट्री क्या होती थी? सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, अब वो नहीं करना है, उसकी जगह लिखना है लोन, क्या लिखना है? कोमल्स लोन अकाउंट डेबिट टू मनीष कैपिटल टू, तो इससे आप मानेंगे इट इज एसेट फॉर द बिजनेस, व्हाट इज इट? क्यों? इसे ये देना है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, हम करते थे सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, करते थे वो मत होगा। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है जो इसका 10,000 रुपए है ना गुडविल, जो इसका क्या है, कितना है? 10,000 रुपीज क्या है? गुडविल, ठीक है, ये हमने इसे ट्रांसफर किया लोन को, हमने इसे कहा कि आपको ये पैसा देना है, कब देना है? 6 months के बाद, इज इट क्लियर? तब तक इंटरेस्ट चढ़ेगा, तब तक, समझ जाए, ठीक, आप समझिए, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, फिर करते थे ना प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, प्रीमियम की जगह इसका लोन, इसका, इज इट क्लियर? सिंपल सा है। अब जब ये लोन देगा पैसा आएगा ना, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कोमल्स लोन टू, और देता है ये इंटरेस्ट भी, क्या देता है? कितना? 12%, हाँ, 10,000 रुपए है इंटू 12/100, लेकिन 6 महीने के लिए, 600 रुपए इंटरेस्ट आएगा, क्या आएगा? सो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू कोमल्स लोन अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन बीइंग लोन रिसीव्ड अलोंग विद इंटरेस्ट फॉर 6 months एट द रेट ऑफ 12%, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो ये है आपका, आपकी बुक डन,
ये ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो मैं आपको एग्जाम में रखूं, जस्ट टू कंप्लीट द बुक मैंने ये क्वेश्चन दिखाया, ठीक है। लॉजिक क्या होगा वीडियो के पहले मिनट में है जो मैंने बताया आपको, ठीक है, अगर आपको रिवाइज करना होगा इसका। सो विद दिस आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कंप्लीट हो गया, ठीक है। कॉपी कीजिए, ये तीन एंट्रीज है, मैं सुनाता हूं आज आपको।